जुहार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सखवा आपके लिए लेकर आया हूँ सखवा भाग 10। इस भाग में आप पढ़ेंगे अब तक सीखे अक्षर, मात्रा, शब्द और उनसे बनने वाली कविता और कहानी। चलो शुरू करते हैं भाग 10। हमने अब तक के भागों में अक्षर सीखे हैं स, ह, ख, म, घ, न, ज, द, र, प, क, च, ड, उ, ब, त, ठ, ई, छ। मात्राएं सीखी हैं आ, ई, ई, ओ। आ मात्रा काला, माला, नाना, दादा, साल, बाल, जाल, दाल, पकाना, दबाना, सजाना, छानना। ई मात्रा तितली, किसान, चिमटा, निकास, बीमार, घिसना, तिनका, दीदार, किताब, जितना। ई मात्रा मीना, चीनी, नीला, पीला, कील, जीरा, खीरा, हीरा, पीपल, ककड़ी, पपड़ी, कीचड़। ओ मात्रा मोर, तोल, खोल, सोना, पोता, ठोक, खोखला, बोलना, डोर, छोला, कोटा। अब पढ़ेंगे हम एक कविता। अगर रंग नहीं कोई होता, आसमान नीला पीला सोना, तब कैसे सब निराला होता। अगर रंग नहीं कोई होता, आम कहाँ तब पीला होता। डाले पाते सब निरंगा होता, तब कहाँ कोई रंगीला होता। अगर रंग नहीं कोई होता, हरा भरा जब नहीं होता, मोर निराला कैसे लगता, कहाँ कोई तब तोता लेता। अगर रंग नहीं कोई होता। तो दोस्तों, यह तो थी कविता। आप इस कविता को पढ़कर अपने दोस्तों को सुना सकते हैं और खुद भी कविता का मजा ले सकते हैं। और अब पढ़ेंगे हम एक कहानी। एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन की एक बहन थी, बहन का नाम मोहनी था। वे दोनों
खेत पर काम करते थे। दोनों मिलकर खेलते थे। मोहन मोहनी के खेत पर एक नीम का पेड़ था। पेड़ पर मोर रहता था। मोर बरसात आने पर नाचता था। एक दिन की बात थी, बरसात आने वाली थी। खेत में मोर मजे से नाच रहा था। मोहनी ने मोर को नाचते देखा। मोहनी का मन भी नाचने का हुआ और वह नाचने लगी। मोर और मोहनी को नाचते देखकर मोहन भी नाचने लगा। तीनों ही नाच रहे थे। तीनों को नाचते देखकर बादल बरसने लगा। बारिश खत्म होने के बाद मोहन मोहनी घर आ गए। दोस्तों, आपने इस भाग में पढ़े शब्द, कविता और कहानी। आप इन्हें अपनी कॉपी में जरूर लिख ले और अपने माँ बाबा को पढ़कर सुनाना ना भूले। मैं फिर आऊंगा आपके लिए सकवा भाग 11 लेकर। धन्यवाद, आपका दोस्त सकवा।